Hello everyone, welcome to my channel and good morning to all of you. तो अभी जो है सुबह का 9 बज चुका है. हम लोग ब्रेकफास्ट खा के दुकान आ गए हैं. जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं उन लोग को पता होगा हम लोग का कंप्यूटर शॉप है, तो वहाँ पे हम लोग आए हैं और यहाँ पे कुछ काम था तो उसको करके अभी घर जाएंगे. तो इधर जॉय का पापा जो हैं बैठे हैं और दुकान के बाहर से ये व्यू दिखता है. और अभी हम लोग घर आ गए हैं क्योंकि हम लोग को लंच भी तो बनाना है. घर में गेस्ट हैं तो कुछ एक घंटा वहाँ पे रुक के रिटर्न आ गए. और ये बच्चे लोग जो है सब सो के उठ गए हैं, खाना भी खा लिए हैं, ब्रेकफास्ट भी कर लिए हैं और अभी इन लोग का मस्ती चल रहा है. ये लोग खेल रहे हैं कुछ गेम जो कि मुझे पता ही नहीं है क्या गेम खेल रहे हैं. और अभी इन लोग के टाइम में न्यू गेम निकल गया है तो सब मिक्स हो गए एक साथ, तो गेम सब खेल रहे हैं. तो अभी जो है मैं किचन में आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ इधर बनाना फ्राई, और उधर जो है दूसरे साइड में मैं मटन बनाऊंगी आज, मटन करी. तो उसके लिए प्याज जो है फ्राई कर रही हूँ. और बच्चे लोग का तो मस्ती अभी भी चालू है, वो ख़त्म नहीं होगा. अभी उन लोग को एक दो घंटा लगेगा खेलने में, एक बार शुरू हो जाते हैं तो ख़त्म ही नहीं होता. तो जो है भी उन लोग के साथ मस्त खेल रहा है. तो तब तक जो है मैं किचन का काम कर ले रही हूँ. तो राइस बनाना है और ये बनाना फ्राई जो है हो चुका है मेरा. इसको जस्ट उबाल के बना देती हूँ मैं, जस्ट उबाल के, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है. उबाल के उसको फ्राई कर देंगे नमक और हल्दी देके. और इधर जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी ओनियन फ्राई कर रही हूँ, तो अभी इसको ग्राइंड करूँगी. और मॉर्निंग में दूध भी आ चुका है और सुबह सुबह ये दो सब्जी भी बना चुके हैं. ये मैं नहीं बनाई थी, मेरे जो दीदी लोग हैं वो लोग बनाए थे. तो मटन के लिए ये जो ओनियन अदरक लहसुन सारे जो मैं पीस के रखी थी उसको मैं फ्राई कर रही हूँ. उसको धीमी आंच में धीरे धीरे फ्राई करना रहता है. और इधर राइस बनाने के लिए राइस को धो के रखी हूँ और मसाले सब मैं निकाल के रखी हूँ. ये जीरा, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी और जीरा पाउडर, और साथ ही साथ जो है मीट मसाला और यहाँ पे टमाटर, सारी चीज़ जो है मैं डाली हूँ. और आज जो है जॉय के लिए जूस बनाऊँगी. तो ये देसी मैंगो है तो इसको मैं पहले उसका जो स्किन है उसको निकाल लेती हूँ, छिलका है उसको निकाल लेती हूँ. उसके बाद जो है हाथ में ही इसको निचोड़ के सारा जूस निकाल लेती हूँ और उसको एक बार छन्नी में छान दूँगी, क्योंकि जॉय जो है उसके मुंह में अगर कुछ लगा तो वो पिएगा नहीं, तो मुझे छानना पड़ता है. तो इस तरीके से जो है आप लोग चाहें तो मैंगो जूस बना सकते हैं विदाउट ग्राइंडर, मिक्सी का यूज नहीं करके हाथ में भी बना सकते हैं. और ये तो काफ़ी मीठा है तो इसमें शुगर नहीं चाहिए. तो इसको अभी मैं जॉय को पिला के आ रही हूँ. तो इधर जॉय बैठा है और उसको अगर कुछ खिलाओ पिलाओ बोलने से उसका खाली भागता रहता है. तो अभी मैं उसको पिलाने का कोशिश कर रही हूँ. और दिन में एक बार मैं अभी मैंगो मिल रहा है. तो जैसे कि मैं बोली अभी मैंगो मिल रहा है तो मैंगो का सीजन चल रहा है, तो मैंगो का जूस जो है उसको पिला देती हूँ क्योंकि वो मैंगो खाता ही नहीं है, तो जूस बना के उसको मैं देती हूँ. और यहाँ मैं मटन धो के रेडी कर चुकी हूँ और मेरा ओनियन जो है अच्छे तरीके से फ्राई होके
कलर भी इसका चेंज हो चुका है, तो सारा मसाला जो है इसमें मैं डाल दूँगी और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। उसके बाद जो है मसाला थोड़ा भून जाने के बाद इसमें जो है टमाटर का पेस्ट जो है उसको डाल देंगे। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, सबके बनाने का तरीका जो है अलग अलग रहता है, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। आप लोग देख चुके होंगे मैं पहले भी मटन का रेसिपी जो है डाल चुकी हूँ मेरे काफ़ी सारे वीडियो में, तो अभी जो है इसमें मटन को मैं डाल दूँगी और धीमी आंच में इसको पकने दूंगी। इसमें नमक थोड़ा मिक्स कर दूंगी ताकि जितना भी पानी है मटन से निकलेगा और उसी पानी में ये थोड़ा पकेगा, बाद में इसको कुकर में डाल दूंगी। और नमक जो है पहले डालना चाहिए क्योंकि पानी, नमक जो है पानी निकाल देगा इससे, तो इसलिए मैं नमक को पहले डाल रही हूँ और इसको ढक दूंगी। तो देखिए थोड़ा सा ये हो चुका है, पानी पानी हो चुका है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद जो है इसको मैं अभी कुकर में डाल लूँगी, और कुकर में मैं पहले से पानी जो है गरम करके रखी थी, ठंडा पानी नहीं डालना है, गरम पानी में ही इसको डालना है। तो अभी सारा चीज़ मैं डाल चुकी हूँ, जस्ट मुझे गरम मसाला थोड़ा सा डालना था, और इसको अभी मैं कुकर का ढक्कन जो है लगा दूँगी। नमक ठीक है नहीं के नहीं वो मुझे टेस्ट करना था, तो नमक थोड़ा कम था, तो अभी मैं टेस्ट करके और थोड़ा नमक डाल दी हूँ। अभी कुकर का ढक्कन लगा दूँगी तो ये कुछ 4-5 सीटी में हो जाएगा। तो ये देखिए आप लोग, मेरा आज का लंच रूटीन जो है बन चुका है, राइस बन चुका है, मटन करी बन चुका है, दाल एंड वो एक तरोन का सब्जी है, मतलब नारियल दाल के बनाए हैं, और इतना ही है आज के वीडियो में। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं आप लोग के फ्रेंड लोगों के साथ। लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए अगर आप लोग पहले बार आए हैं मेरे चैनल पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।